हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पर टैलेंट मैनेजमेंट यूनिट फिफ्थ के ऊपर। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ के ऊपर फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एचआर। बहुत ही शॉर्ट यूनिट है और आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। तब सबसे पहले जो आपका यूनिट फिफ्थ में टॉपिक आता है, डेट इज़ कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की जाँच पड़ताल, यानी कि हम ऑडिट की जब भी बात करते हैं तो वो क्या मतलब होता है, यानी कि ऑडिट का मतलब सिंपल से समझो कि हिसाब किताब, यानी कि किसी चीज़ का हिसाब किताब लेना है। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ऑडिट का मतलब यही आप मैंने बताया ना। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट में क्या हम बात करते हैं, यानी कि कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का चेकअप करते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे कि हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना, ट्रेनिंग करना, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय के साथ में रिलेशनशिप करना है, देन कंप्लायंसेज, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस उनका अनुपालन करना। तो ये सारे जो भी काम है एचआर डिपार्टमेंट के, वो सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का मतलब यही होता है कि चेकअप करना कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का, टू रिव्यू ऑल एचआर प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड सिस्टम्स टू मेक श्योर दे आर वर्किंग वेल एंड फॉलोइंग द रूल्स। ठीक है, वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एंड हेल्पिंग द कंपनी रन स्मूथली, और जो कंपनी है वो सही तरीके से स्मूथली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब देखो, द नीड फॉर एचआर ऑडिट अराइजेस ड्यू टू द सर्वल रीजंस। क्यों एचआर ऑडिट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हम देखते हैं जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंपनी के लिए, वो सारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे हमारी इफिशियंसी भी इंप्रूव हो सकती है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है, टैलेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये सभी नीड्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आप शॉर्ट में HRIS के नाम से भी बोल सकते हो। तो ये एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या चीज़ की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है दैट कंबाइंस द वेरियस एचआर फंक्शंस। जितने भी एचआर के फंक्शंस होते हैं वो कंबाइंड करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि दैट एंड प्रोसेसेस इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ के, जो भी एचआर डिपार्टमेंट के सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वो लीव पास कराना, छुट्टी लेना, ठीक है, और अपनी सैलरी स्लिप को देखना, ये सारे जितने भी कोर फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसमें एचआर डिपार्टमेंट के भी अच्छा रोल प्ले हो पाता है, यानी एचआर डिपार्टमेंट की भी हेल्प हो जाती है और एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल डिटेल्स, वर्क हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑल इन वन प्लेस। तो इस तरीके से, एक तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये सारे काम होते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम और अटेंडेंस को हम ट्रैक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पे रोल यानी उनको जो भी सैलरी वगैरह जब भी जो भी देनी है उसको देख सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय खुद से सेल्फ सर्विस ले सकते हैं, यानी अगर उसको छुट्टी लेनी है या फिर लीव पास करानी है या फिर उसको सैलरी स्लिप देखना है या फिर कोई भी चीज़ को देखना है, ठीक है, तो वो आसानी से देख सकता है उस तरीके के सॉफ्टवेयर की हेल्प से। देन डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट करने के लिए भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इवेल्युएशन किस तरीके से हुआ है HRM टू HRIS का, यानी सबसे पहले हम पास्ट की अगर बात करते हैं तो पास्ट में तो HRM था ही नहीं, ठीक है, फिर धीरे से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया और अब क्या चल रहा है हमारे प्रेजेंट में कि HRIS की हम बात करते हैं, यानी उस के सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं जिसमें सारे एचआर के फंक्शंस कंबाइंड होकर के काम करते हैं। तो देखो, ट्रेडिशनल HRM की बात करते हैं, देन इसके बाद में HR की टेक्नोलॉजी आई, देन HRIS के फंक्शनैलिटी आई, अब क्लाउड बेस्ड सारी चीज़ों की बात आई, देन उसके बाद में इंटीग्रेशन विथ HR मैनेजमेंट और HRIS का, यानी स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन या फिर इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ है। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसको आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो भी होता है वो एक तरीके से अकाउंटिंग मेथड होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएबल वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हम जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जितने भी इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उनकी क्या वैल्यू है, यानी कि अगर हम इम्प्लॉय को कितना पे कर रहे हैं और उसके बदले वो कितना ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द वैल्यू ऑफ इम्प्लॉयज़ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज़ एंड रिप्रेजेंटिंग देम एज
एसेट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ की बात करते हैं। तो अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या पर्पज़ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प होती है, इससे हम ROI को मेजर कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को हम कितना पे कर रहे हैं और कितना बदले में वो हमको काम करके दे रहा है। इनहेंसिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी कामों के लिए यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इन एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि आगे वो कैसा परफॉर्म करेगा इस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि चेंज भी हो सकता है, सारी चीज़ें जो भी हैं वो चेंज हो सकती हैं। कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, बस ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझो, इसका सिंपली मतलब BPR का मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि बिजनेस के प्रोसेस को आप क्या करते हो उसको एनालाइज करते हो, यानी कि क्या क्या प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं और उसका रीडिज़ाइन करते हो, यानी कि उन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हो, देखते हो कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है और अगर जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती दिखती है तो उस जगह आप क्या करते हो, रीडिज़ाइन करते हो, यानी कि अपने प्रोसेस के अंदर चेंजिंग करते हो टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि एक कोई बेकरी है, उस पहले क्या करती थी, मैनुअल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स, ठीक है। पहले वो क्या करती थी, एक तरीके से मैनुअल प्रोसेस था उसका, वो पहले लिखती थी, मतलब कॉपी पेन पे यूज़ करती थी, पेन और पेपर का यूज़ करती थी, बट बाद में उसने क्या किया कि अपने उस प्रोसेस को चेंज करके उसने BPR यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उस प्रोसेस को चेंज करके उसने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इन्वेंट्री को टैग किया जा सकता है, रिजल्ट को यानी कि सर्विस को अच्छी तरीके से किया जा सकता है, कस्टमर उसके हैप्पी हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी बढ़ी, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई लोगों की, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस, आप देखते हो सबसे पहले कि आपका क्या करेंट में प्रोसेस चल रहा है उसको एनालाइज करते हो, देन उसके बाद में री इमेजिनिंग उसको फिर से देखते हो, देन उसके बाद में टेक्नोलॉजी, जो भी नई टेक्नोलॉजी लगानी होती है, जो भी नया प्रोसेस लगाना होता है उसको लगाते हो, देन उसके बाद में एम्प्लॉयज़ को आप क्या करते हो, पावर करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हो नई चीज़, जो भी नया प्रोसेस होता है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हो, उसके बाद में परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट यानी कि मेजरिंग परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते हो कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो टैलेंट, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया, कंटेम्प्रेरी टैलेंट मैनेजमेंट इशू एंड चैलेंज, और ये दोस्तों आपका लास्ट है, टैलेंट मैनेजमेंट के जो भी आपने इशू और चैलेंजेस पढ़े थे वही सारे बेसिकली यहाँ पर है कि रिमोट वर्क और वर्चुअल कोलेबरेशन में यहाँ पर चैलेंज आता है, ठीक है, स्किल शॉर्टेज का चैलेंज आता है, देन इसके बाद में एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ को सही रखने में चैलेंज आता है, डाटा की प्राइवेसी में चैलेंज आता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं अप टू डेट, तो इस चीज़ में चैलेंज आता है, डेटा की प्राइवेसी और इथिकल कॉन्सर्न, सो ये सभी चीज़ों में चैलेंज आता है, बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ में आपका यूनिट 5th था जो कि बहुत ही शॉर्ट में छोटा सा था, ठीक है, और इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बेसिकली HRIS इसका ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इसको ध्यान रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो उसको भी लाइक कर दिया करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।